हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। सबको राम राम और अखवाबा। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में जिसका नाम है मीनाक्षी एन इंडियन इन घाना। और अभी मैं हूँ धरती के स्वर्ग पर गुलमर्ग में, और ये है मनु। Hello. और ये है अवी अवी सॉरी लवी। और हम आए हैं इस मंदिर, जो मैंने आपको बताया था आपकी कसम में, जय जय शिव शंकर कांटा लगे ना कंकर। तो हम आए हैं बम बम बोले का आशीर्वाद लेने के लिए। आपको मैं दिखाती हूँ कि हम लोग कितनी ऊंचाई पर हैं। देखिए अमित भैया और अमिता अभी भी चल के आ रहे हैं, सीढ़ियाँ हैं। और ये जो पहाड़ आपको दिख रहा है, ये पहाड़ आगे की तरफ जो अभी धुंध की वजह से कवर है, इस पहाड़ के जस्ट पीछे पाकिस्तान है। ये POK में आता है, मतलब जो पहाड़ है वो हम और पाकिस्तान दोनों शेयर करते हैं, और वहीं बीच में कहीं पे POK का लाइन होगा, बॉर्डर होगा। और ये है बम बम भोले का मंदिर, और ये है गुलमर्ग। गुलमर्ग का नाम कल बताया था मुझे, गुल मतलब है फूल, मर्ग मतलब मैदान, फूलों का मैदान। मतलब ये देखिए, ये जो फूल हैं अभी इस साइड में थोड़े कम दिख रहे हैं, जो लाल लाल फूल दिख रहे हैं आपको, ये वाले उस तरफ कल वाले वीडियो में मैंने दिखाया था, ये फूल किसी ने भी नहीं लगाए हैं, ये अपने आप लगे हैं, ये सब अपने आप है, ये मदर नेचर ने अपने आप हमें दिया है। तो ये ब्यूटी, ये कितना पुराना मंदिर है भैया? ये कह रहे 300 साल शिवलिंग, 300 साल पुराना शिवलिंग। तो आप ही करते हैं यहाँ पर पूजा पाठ? ऐसा लग रहा है जैसे वो बाहुबली, हाँ बाहुबली थी वैसे ही शिव लग रहा है। रवि जरा, हाँ उन्हीं का ही है ऑब्वियसली, उन्होंने बनवाया शिव। ये किसने बजाया है, किस कौन बजा रहा है? अच्छा रुको, मैं रुको 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 वीडियो लेते हैं सारा, फिर से बजाना एक बार, मैं आती हूँ। बाबू की हवाएं गई हो जाती इस मंदिर का निर्माण करवाया था महारानी मोहिनी बाई और महाराजा अधिराज श्री हरि सिंह जी ने, और इसका रिनोवेशन करवाया था 15 गढ़वाल राइफल्स ने 1 जून 2021 को ये रिनोवेट हुआ था। और तब से मुझे लगता है कि ये इतने अच्छे उसमें, और ये मंदिर के चारों तरफ का हिस्सा। वही कीचड़ है मनु आगे, ये जितने लोग अभी आपको गाड़ियाँ और ये लोग दिख रहे हैं, 5 बजे के बाद सब खाली हो जाता है, यहाँ पे कुछ भी नहीं रहता, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस रहता है, क्योंकि सारे लोग नीचे चले जाते हैं। गुलमर्ग जो है 14 किलोमीटर्स अप है ऊंचाई पर, और यहाँ पे सिर्फ होटल्स हैं और थोड़ा बहुत ये जो रेस्टोरेंट्स हैं छोटे मोटे, बस वही हैं बस, और किसी का घर नहीं है, मतलब कोई रहता नहीं है यहाँ पे, ये सिर्फ घूमने के पर्पस से ही बनाया गया है। और इसके दो पार्ट्स हैं, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, दो पार्ट्स हैं, एक है जो आर्मी के अंडर में रहता है, और दूसरा है जो ये टूरिज्म पर्पस से आम लोगों के लिए, आम नागरिकों के लिए खोला गया है। एक चीज़ अच्छी लगी है कि ये लोग मुसलमान हैं फिर भी ये लोग मंदिर में जा रहे हैं। और लास्ट पर जाता है पाँचवा, ये है झीलम, जो ये कारपेट है महाराजा,
हरी सिंह, ये लास्ट राजा थे जम्मू कश्मीर के, 1947 तक इन्होंने रूल किया। और ये है पैलेस का मॉडल, हमने एंट्री यहाँ से किया था, ये एंट्री थी और ये है पैलेस का पूरा मॉडल। और राजा हरी सिंह के दो और पैलेस थे, एक जम्मू में एक श्रीनगर में, ये वो समर में छुट्टियाँ मनाने आते थे। हॉट भी, हाँ हाँ हाँ, अच्छा यहाँ पर -10 से लेकर -15 तक टेंपरेचर, हाँ इसीलिए तो बर्फ इतना होता है ना। तो ये उनका क्या था, ये दरबार था, ये उनका दरबार था। बैठने मिलेगा आपको मीटिंग हॉल, लेफ्ट में मिलेगा आपको वेटिंग हॉल, वेटिंग हॉल हाँ, लेफ्ट में राइट में मीटिंग हॉल। नीचे भी है ना ठंड फील हो रही है, बारिश होने की वजह से अभी है ना बहुत ठंडी हो गई है। और ये था महाराजा हरि सिंह का वेटिंग हॉल, और मैं बाहर का आपको दिखाती हूँ। एक्चुअली ठंड इतनी लग रही थी, पहले सोचा नहीं आते हैं, फिर जैसे हुआ कि महाराजा हरि सिंह का पैलेस है तो मन किया यार यहाँ पे सब जगह वो सब देख रहे हैं, हिंदू राजा का महल तो देख के आते हैं क्या है कैसा है। और ये देखो ये पुराने जमाने की चिमनी, ये जो पूरा महल है ना, ये जो लकड़ी है 85% अखरोट के पेड़ की लकड़ी है, वॉलनट पेड़ की, वॉलनट ट्री की। ये एग्जिट है, ये एग्जिट पॉइंट है, यहाँ पे कोई शूटिंग चल रही है। ये है राजा के टाइम के सारे एंटीक पीसेस, ये शायद वो होंगे जिसमें डाल के कहवा पिलाया जाए जाता होगा या शायद लाइट का है। अच्छा सॉरी ये लाइट का, लेकिन ये नीचे क्या है, अच्छा ये ओके हाँ किसी से। और ये देखो ये वो ढाल है यार, ये तो सॉरी ये भी लाइट के हैं, हाँ ये लाइट के हैं, ये लालटेन है, खूबसूरत उन्होंने एज इट इज़ रखा है, जैसे जो चीज़ थी। जैसे अभी ये घड़ी है ये निकल गई है ऊपर से, लेकिन इसको एज इट इज़ रखा है। ये जो है ये भी टूट गया है, शायद राजा इसमें बैठ के बाहर निकलते होंगे, पीछे से पकड़ते होंगे आगे से पकड़ते होंगे लोग। ये घड़ियाँ थी, ये भी शायद सजाने वाले का, ये उनकी तलवारें हैं, ये कुछ छोटे चीज़ें हैं। हम जा रहे हैं बेसमेंट की तरफ, देखते हैं राजा के बेसमेंट में क्या था और क्या है। हर जगह ये एसी लगे हुए हैं, जो ये ड्वेल हैं ये कूलिंग भी करते हैं और ये हीट भी देते हैं। जब एक्सेसिव मुझे लगता है हीट यहाँ पे ठंडी हो जाती होगी ना, तो अच्छा ये है। और ये बहुत ठंडा है भाई, ओहो ओ यहाँ पे मुझे लगता है कि खाने वाने का सारा कुछ, ओ भाई साहब खूब बड़ी बड़ी डाइनिंग टेबल्स हैं, जो मुझे लगता है उनके जो राजे रजवाड़ों के जो सैनिक होते हैं ना, मुझे लगता है उनके लिए ये खाने वाने का उनकी डाइनिंग टेबल्स। ये पत्थर का है, ये भी उनका दरबार वगैरह है। ओके ये बंद है, कुछ होगा अंदर होगा, ये भी एक रूम है, ये सब जगह ये रखा हुआ है। मुझे ये लग रहा है कि चिमनियाँ हैं, ये शायद डाइनिंग एरिया है, लिखा हुआ नहीं है इस पर। ये एक और हाँ ये रानी का रूम होगा शायद, हाँ ड्रेसिंग टेबल तो उसमें भी थी, लेकिन लग ऐसा रहा है कि शायद रानी का रूम होगा। पूरा कारपेट बिछा हुआ है, उसके बाद भी ठंड फील हो रही है हम लोगों को। और ये है बेडरूम नंबर 3, अच्छा वो सेकंड बेडरूम था, ये बेडरूम, ये बेडरूम की बेडशीट ऐसे कैसे कर रखी है। हाँ ये देखिए ये खुला हुआ है, ये मुझे समझ आ गया, नीचे कोयला डाल के
और ये देखो मैं बोल रही थी ना चिमनी, तो ये देखो ये पूरा चिमनी का ही स्लॉट है पूरा, ये पूरा। इतनी ठंडी में तो भाई ज़रूरत भी पड़े चिमनी हमने की, मेरी खुद की हालत ख़राब है ठंड की वजह से, आदत छूट गई है ठंड में। दोस्तों गुलमर्ग के इस लास्ट वीडियो के साथ मेरी कश्मीर ट्रिप की जो सीरीज़ है ये, इसको मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों ने ये कश्मीर ट्रिप के वीडियोस को पसंद किया होगा। अगर आपको मेरा चैनल और मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये जो बच्ची आपको दिख रही है ये बारामूला से आई थी, शिव टेम्पल में हमें मिली थी और इसने मुझे बोला था कि आपके साथ मुझे फ़ोटो लेना है, तो मैंने कहा आ जाओ बेटा, और हम लोगों ने साथ में फ़ोटो लिया। और आप लोग खुश रहिए, प्यार बांटिए, स्वस्थ रहिए, बाहर जब जाएं तो अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, राम राम।